भरूचनो 14 वर्षीय टेणियो अनमोल शास्त्री कौन बनेगा करोड़पति जुनियर सोनी हॉट सीट पर बिराजी पहुंची 25 लाख पॉइंट सुधी पहुंचियो हतो। तेना ज्ञान अने हाजर जाप थी बिग बी पण अनमोल पर आफरीन थया हता। कौन बनेगा करोड़पति में लाखों की रकम नो विजेता बननार अनमोल ने बाळपण थी ज नवू नवू जाणवानो अने वाँचवानो शौक छे। बिग बी संचालित कौन बनेगा करोड़पति टीवी शो अमिताभ बच्चन सामे हॉट सीट पर बेसवा साथे तेना सवालों जवाब आपवा अनेक लोग इच्छा करता होय छे, परंतु करोड़ों में कोईक सफल थाय छे। कौन बनेगा करोड़पति शोना स्टूडेंट स्पेशियल वीक अंतर्गत जुनियर शो चाली रह्यो छे, जेमां देशना अनेक बाळकोए भाग लीधो हतो, जे वच्चे थी प्रथम टॉप 10 में अने बाद में हॉट सीट सुधी पहोंचनार भरूचनो अनमोल शास्त्री आवो एक नसीबदार हतो। एक पछी एक अमिताभ बच्चनना कॉम्प्यूटर स्क्रीन द्वारा पूछवामां आवेल सवालोना अनमोले विश्वासपूर्वक अने अत्यंत सहजताथी जवाबो आप्या हता। मूळ मध्यप्रदेशना उज्जैनो अने हाल भरूच जिल्लाना दहेजनी रिलायंस कंपनीना सेफ्टी डिपार्टमेंटमां काम करता ब्रिजेश शास्त्रीना पुत्र अनमोले आ सिद्धि हासिल करता भरूच सहित समग्र गुजरात अने तेना परिवारजनो अने मित्रमंडळमां खुशीनी लहेर जोवा मळी हती। अत्यंत सहज जणाता अनमोले तेनी आ सिद्धि माटे तेनुं वांचन अने नवું નવું જાણવાની જિજ્ઞાસા હોવાનું જણાવેલ છે। હાલમાં તે એક યુટ્યુબ ચેનલ પણ ચલાવતો હોવાનું કહી બિગ બી પણ તેની ચેનલનું પ્રમોશન સોશિયલ મીડિયા પર કરવાની ખાતરી આપી હોવાનું કહી તે પોતાને ભવિષ્યમાં ડોક્ટર બનવાની મહેચ્છા હોવાનું કહી રહ્યો છે। મેરી બચપન સે હી આદત હૈ કે મેં ડાઉટ્સ ઓર બહોત સારી ક્વેશ્ચન્સ પૂછું ઓર મેરે કો ક્વિઝિસ ખેલના ભી બહોત પસંદ હૈ બચપન સે। તો એક દિન હમ લોગ રાત કો કેબીસી દેખ રહે થે તો અમિતાભ બચ્ચન સર કા એક એડ આયા વેદાંતુ સે રિલેટેડ कि मैं वी क्विज खेलूं तो उससे केबीसी में मैं जा सकूंगा। अभी मेरा बचपन से एक और ड्रीम था कि मैं केबीसी में जाऊं, तो मैंने फिर वी क्विज में अप्लाई किया। मेरी मम्मी ने इसके बारे में काफ़ी बोला, मैं पहले इसको सीरियसली नहीं ले रहा था, फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छे से खेलना चालू किया। वी क्विज कुछ 20 दिन तक चला था, उसमें 20 दिन में दिन में 2 बार 10 क्वेश्चंस का क्विज़ होता था और उसमें हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड मिलते थे। तो मैं वो खेलता गया, वो कुछ 5th अक्टूबर से 25th अक्टूबर तक चला। तो उस टाइम में ही हम रजिस्टर कर सकते थे, तो मैंने ये 20 दिन तक रेगुलरली खेला। फिर उसके बाद मेरे को केबीसी की तरफ से कॉल आया कि मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। फिर ऐसे ही कुछ 7-8 राउंड मैंने क्लियर किए, फिर उसके बाद मेरे को फ़ोन आया कि मैं केबीसी में जा रहा हूँ। तो मेरे को फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए मुंबई में बुलाया गया। मैं ये सुन के काफ़ी खुश था। फिर वहाँ पर मैं गया तो मैं वहाँ पे सब कंटेस्टेंट से मिला, स्टाफ से मिला केबीसी की, जो काफ़ी अच्छी है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलके। और सबसे बड़ी बात, मैं अमिताभ बच्चन सर से मिला जो कि इतने बड़े एक्टर हैं, तो उनसे मिलने का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी बढ़िया था। फिर उसके बाद मैंने कैसे केबीसी शूट होता है और कैसे टीवी पे दिखता है ये भी मैंने देखा, तो ये मुझे देख के काफ़ी खुशी हुई। मैं ये केबीसी की तैयारी के लिए मैंने केजे चौकसी लाइब्रेरी की तरफ से कुछ बुक्स ली थी, जिनके कारण मेरा काफ़ी नॉलेज बढ़ा। तो मैं केजे चौकसी लाइब्रेरी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। मेरी एज के बच्चों के लिए एक ही संदेश है कि कभी भी डाउट्स पूछना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम डाउट्स पूछेंगे तो ही हमें नई नई चीज़ें जानने को मिलेगी और नई नई चीज़ें वो क्लियर होगी हमारे दिमाग में। और उसके साथ साथ जो हमारे आजू बाजू हो रही घटना है और सब सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना बहुत अच्छा है, तो मैं यही चाहूँगा कि हर बच्चा ये फॉलो करे। તેના માતા પિતા પણ પુત્ર અનમોલની આ સિદ્ધિથી અત્યંત ગૌરવની લાગણી અનુભવી તેઓ પણ આ શોમાં જઈ શક્યા તે માટે ખુશખુશાલ જણાય છે। બાળપણથી જ અનમોલ વિશિષ્ટ બાળક હોવાનું પણ તેઓ જણાવે છે। પૂરે ઓલ ઇન્ડિયા કે 8 બચ્ચે થે, ઉન 8 બચ્ચો મેં ફર્સ્ટ રાઉન્ડ મેં પહેલા બચ્ચા મેરા થા બેટા, જિસને કી ફાસ્ટર ફિંગર ફર્સ્ટ કો ક્લિયર ક્યા, ઓર 8 મેં સે 3 બચ્ચો ને સહી જવાબ દિયા થા, ઉસમે સે અનમોલ ફર્સ્ટ થા, ઓર ઉસને કાફી કમ સમય લ્યા, કુછ 4.73 સમથિંગ સમય લ્યા। ઉસ સમય મતલબ મેં મેરે જો હાવભાવ થે મેં એક્સપ્રેસ હી નહીં કર પા રહી થી કે મેરા બેટા આજ પહેલે હી બાર મેં મતલબ હોટ સીટ પે પહોંચ ગયા હૈ ઓર અમિતાભ કે સાથ બેઠા હૈ, ફિર યે હોટ સીટ પે પહોંચા, ઇસને હર પ્રશ્ન કા બડી સફળતા સે ઓર કોન્ફિડન્ટ કે સાથ જવાબ દિયા, યે બિલકુલ ભી અનમોલ ઘબરાયા નહીં, ઓર હર ક્વેશ્ચન ઉસકો આતા ભી થા તો ભી ઉસને હર ક્વેશ્ચન કે પહેલે ઓપ્શન સુને
हैं और उसको सोचा समझा और फिर उसको जवाब दिया। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं की, चारों लाइफलाइन का उसने सही समय पर सदुपयोग किया और उसने किसी भी क्वेश्चन में रिस्क नहीं ली, क्योंकि उसको ऐसा था कि मैं जिस क्वेश्चन पे थोड़ा भी डाउट है तो मुझे लाइफलाइन ले ही लेनी चाहिए। और काफ़ी अच्छे से उसने कॉन्फिडेंट के साथ खेला। अमिताभ जी ने भी उसकी बहुत तारीफ़ करी, उसका नाम उन्होंने जिज्ञासु रखा। और अमिताभ बच्चन ने हमसे कहा कि आपका बच्चा बहुत बुद्धिमान है, बहुत इंटेलिजेंट है, आप उसको अच्छा मार्गदर्शन दीजिए तो वह आगे जाएगा। और उसने जो सफलता हासिल की वो हमारे लिए अद्भुत है। मतलब हम उसको जीवन में कभी नहीं भूल सकते कि इतने बड़े नेशनल प्लेटफॉर्म पे अनमोल शास्त्री गया और उसने अपने मम्मी पापा का, परिवार का, भरूच का और गुजरात का नाम रोशन किया। जब भी पढ़ने बैठता है तो अपनी सारी तैयारी करके पढ़ाई करता है और पूरा कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई में लगाता है। कई बार पढ़ाई के दौरान उसके कुछ ऐसे क्वेश्चन भी रहते हैं जो मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं नए नए बच्चों को आजकल बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, तो उस परिस्थिति में मैं गूगल की हेल्प लेके उसको समझाता हूँ और वो आगे समझ के अपनी पढ़ाई को जारी रखता है। उसका शुरू से ही विशेष रुचि भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में रही है। ज्योग्राफी भी उसका बहुत अच्छा मनपसंद सब्जेक्ट है। वो जो स्पेस से रिलेटेड चीज़ों में उसको बहुत ज़्यादा रुचि है, इसलिए वो कई बार मुझे बोलता है पापा मुझे टेलीस्कोप लाओ, तो मैंने अभी सोच रखा है उसको टेलीस्कोप दे के उसका जो भी आगे पढ़ाई का मार्ग है उसको मैं प्रशस्त करूँ। और मैं आप सब लोगों से इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आप भी अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दें और उनकी जो रुचि है उस हिसाब से उसको अपने उस फील्ड में जाने का आप प्रेरित करें और उसके आगे बढ़ाएं। अनमोल शास्त्रीय आ सुमा 25 लाख ની રકમ નો વિજેતા બન્યો હતો, તેમજ 50 લાખ માટે પૂછવામાં આવેલ એક સવાલનો અનમોલ પાસે યોગ્ય ઉત્તર ન હોવાના કારણે તેને ગેમ છોડી હતી। જો કે અનમોલ શાસ્ત્રીની આટલી નાની ઉંમરમાં આટલા અનુભવી સવાલોના જવાબો આપવાની સિદ્ધિથી ભરૂચ સહિત સમગ્ર ગુજરાતના લોકોએ ચોતરફ પ્રશંસા કરી અને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી।